ये मैगोट उंड है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं लैब्राडोर रिट्रीवर में। इसके लिए कुछ दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं, उससे ये पूरा ठीक हो जाता है। ये मैगोट उंड है, ये मैगोट उंड में होता क्या है कि कीड़े लग जाते हैं मैगट्स, और एक होल बना देते हैं ड्रिलिंग मशीन की तरह। उसको हम लोग पहले बेटाडीन से साफ़ कर लेंगे। ये बेटाडीन अप्लाई कर रहे हैं ताकि जख्म क्लीन रहे। और एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, उसको सिरिंज में भर के उस घाव में डालना है। इंजेक्ट नहीं करना है, बस ऊपर से उसमें डाल देना है। और फिर एक नियोमेक पाउडर होता है, जो ये पाउडर आ गया नियोमेक, और डॉक्यूमेंट भी लेके आएंगे। नियोमेक 10 पाउडर ये रूई से साफ कर रहे हैं जख्म को। थोड़ा सा अनईजी फील करता है डॉग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ओबीडियंट है, तो ही इज कॉपरेटिंग बिल। आप मैगोट उंड को अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो होने पे 100 इंजेक्शन के बराबर दर्द देता है। ये नियोमेक पाउडर है जिससे ये कीड़े भी ख़त्म करता है और घाव को भरने में भी मदद करता है। इसके चारों तरफ भी छीट दें जख्म के, ताकि जो भी कीड़े पनप रहे हों वो ख़त्म हो जाए। ये मैगोट उंड बहुत ही ख़तरनाक होता है डॉग के लिए, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हर 6 घंटे में ये डबल हो जाते हैं। इनको काफ़ी दर्द होता है जब ये मैगट्स इनको ज़िंदा खा रहे होते हैं, और धीरे धीरे ये हड्डी और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में ही। हमने 2 दिन पहले ही इनका मैगट्स सारे साफ़ कर दिए थे, 25 कीड़े निकले थे, और अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेटाडीन आइवरमेक्टिन और नियोमेक पाउडर। कुछ टैबलेट्स से मैं वो दिखा दूंगा, वो देने हैं। मैगट्स ओन्स के लिए कुछ मेडिसिन रिकमेंडेड है जिससे डॉग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये कुछ मेडिसिंस हैं, मैं बताता हूँ कि किसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप जो भी ओपनिंग है आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लेंगे आप, ये आता है ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। इसको अगर हेल्दी डॉग है तो 1 से 1.5 ml लेंगे, और बड़ा उंड है तो नहीं तो 1 ml से भी काम चल जाता है। इसको आप इंजेक्शन में नीडल हटा के आप यहाँ तक 1 ml तक भर लें, और इसके जो मैगट उंड होता है उसके होल में आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आप उसमें डाल देंगे। डॉग को थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर डालेंगे 2-3 मिनट के अंदर ही सारे कीड़े बाहर आने शुरू हो जाएंगे, वो मरने शुरू हो जाएंगे, उनको बहुत दिक्कत होगी अंदर। तो आप अगर जो निकल पाए ठीक है, नहीं निकलते हैं तो ओपनिंग होल में आप इसके थ्रू आप आराम आराम से उसको निकाल सकते हैं। आराम आराम से सारे कीड़ों को निकाल लीजिए, अगर सब सारे कीड़े निकल जाए उसके बाद आप बेटाडीन लीजिए। आप ये है बेटाडीन, आपको दिखा देता हूँ, बेटाडीन सॉल्यूशन। बेटाडीन सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइज्ड है, इससे आप रुई लें, रुई में थोड़ा सा लगा के और बेटाडीन में डुबो के आप उस जख्म को अंदर से साफ़ कर देंगे पूरा, और चारों तरफ साफ़ करने के बाद फिर आप ये आपका मेडिसिन है। एक इसको मैं क्लियरली दिखा देता हूँ आप लोग को, दिख नहीं रहा है, चमक रहा है, मैं नाम बता देता हूँ, नियोमाइसिन बैक्टीरियन एंड सल्फेटमाइड स्प्रिंकल पाउडर। ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जो भी जानवर के ये है दुकान है।
देखिए अब दिख रहा है, ये वाला पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये घाव के अंदर पूरी तरह से भर देंगे और चारों तरफ छिड़क देंगे। ये दोनों में कीड़े भगाने और घाव को सुखाने में भी काम आएगा, तेज़ी से हील करेगा। फिर उसके बाद अगर ये इंजेक्शन आपको नहीं मिलता है, जो सबसे पहले मैंने डाला था आइवरमेक्टिन, तो इसका एक अल्टरनेटिव है, वो यूज़ कर सकते हैं, ये है टर्पेंटाइन ऑयल, ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा मार्केट में। ये टर्पेंटाइन ऑयल इसी तरह से इंजेक्शन में लेके उस उंड ओपनिंग के अंदर आपको फिल कर देना है। एक बार से अगर कीड़े पूरी तरह से साफ़ नहीं हो तो आप 2-3 बार ड्रॉप उसमें डाल के निकाल सकते हैं। जब तक पूरे कीड़े ना निकल जाए तब तक आप उसको क्लीन करिए पूरा, एक एक कीड़ा निकल जाए। अगर कीड़ा अंदर मर के रह जाएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो सड़ जाएगा। अगर ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद आप पाउडर, ये पाउडर डाल चुके हैं बेटाडीन साफ़ करने के बाद, फिर आप ये टैबलेट होता है नियोमैक का, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, फिर इसको एक टैबलेट आप खिला देंगे खाने के साथ कुछ भी देके अच्छा, और इसको फिर 3 दिन के बाद रिपीट करना है। 3 दिन के बाद 1 से 2 बार रिपीट करिए, फिर अगर ठीक लगे तो आप नहीं दीजिए। और उसके साथ एक टैबलेट और है, जो ये है सेप्ट्रॉन टैबलेट है, ट्राइमेक्सोजोल टैबलेट, ये घाव को सुखाने में मदद करता है। और जिस दिन आप ये टैबलेट दें, ये वाला, उस दिन ये टैबलेट नहीं देना है, और फिर अगले दिन लगातार ये टैबलेट आप देते रहें, ट्राइमेक्सोजोल टैबलेट, इससे घाव को भरने में मदद करेगा। अच्छा, और उसको हेल्दी खाना खिलाते रहें ड्यूरिंग उंड, फिर ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसका जग ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करते हैं तो वो शायद ही डॉग बच पाएगा। और ये ऐसा है, अगर डॉग आपके पास नहीं, हाँ एक और है कि अगर सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाए तो वहाँ मक्खी नहीं बैठने देना है। इसके लिए टॉपिक क्योर एक स्प्रे आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसको लेके आप उंड के आसपास उसको स्प्रे कर दें, ताकि वहाँ पे मक्खियाँ बैठ ना पाए और वहाँ पे अंडे ना दे पाए और गंदगी, कोई भी कीड़ा मीड़ा नहीं आ पाए, आसपास आप स्प्रे कर दें इसको। अगर डॉग आपके पास नहीं आता है, वो बहुत ही अग्रेसिव डॉग है, तो आपको ये इंजेक्शन आइवरमेक्टिन इंजेक्शन अगर नहीं डालने दे रहा है, तब उसको खाने में ये वाला टैबलेट दे दें, आइवरमेक्टिन इन माउथ टैबलेट, खाने के साथ एक, फिर 3 दिन के बाद रिपीट करिएगा। और उसके बाद ये सेप्ट्रॉन का टैबलेट ट्राइमेक्सोजोल आप उसको दे सकते हैं, थोड़ा धीरे ट्रीटमेंट होगा लेकिन हो जाएगा। अगर ये इंजेक्शन वाला आप दवाई देते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हील करता है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन से। इसको भी 1 दिन दें, फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद रिपीट करें, दूसरे दिन दें, फिर 3 दिन के बाद रिपीट करें। थैंक यू।